छुप कर के चली गाड़ी दिलवाले चली मेहरबानी है, डांस के कोर्स खत्म होने के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम रखी। मेहरबानी से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मेहनत से होता है। शोभा, तुम कौन सी गाड़ी से दिल्ली जा रही हो? कल शाम की गाड़ी से जा रही हूँ। घर से कोई लेने के लिए आ रहा है? नहीं, मैं अकेले ही चली गया था। टाइम क्या हुआ है? 8 बजे है। थैंक यू। ये गाड़ी दिल्ली कब पहुंचेगी? ये टाइम टेबल देख लीजिए। आपको मेरे सिगरेट का धुआं तो बुरा नहीं लग रहा? मुझे पढ़ते वक्त जो परेशान करे बहुत बुरा लगता है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये था कि रात का वक्त है, कंपार्टमेंट में हम दोनों अकेले हैं, आपको भी नींद नहीं आ रही और मुझे भी नींद नहीं आ रही। इससे बेहतर था कि वक्त काटने के लिए हम दोनों आपस में बातचीत। क्या चाहते हो? हाँ बॉस। मैन साहब, आपका पर्स, बूंदे, घड़ी। अरे मिस्टर, तुम्हारे बटवाला। थैंक यू। और चेंज गाड़ी की नहीं करेगी?
बस अभी एक्टिंग कैसी क्लास में आता हूँ लामाल लामाल ये रखो फोटो तो मर गया? जिसे गोली मारूंगी वो मरेगा नहीं मतलब तो आपकी जान बचाने के लिए उसे गोली चलाई। हाँ हाँ मेरी जान बचाने के लिए तुमने गोली चलाई और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। पागल नहीं बनो जरा सोचो तो पुलिस को बुलाकर क्या कहो यही ना कि तुमने एक आदमी को जान से मार दिया तो तुमने चेन उसी वक्त क्यों नहीं खींची गाड़ी क्यों नहीं रो पिस्तौल क्यों चलाए एक आदमी की जान क्यों ले ली मैं तुमसे वही सवाल कर रहा हूँ जो कि अदालत में पूछे जाए घबराओ नहीं तुम्हारे जुर्म का पुलिस को पता नहीं चले जब तक कि मैं न कह दूं अर्जुन तुम्हारा राज हमेशा के लिए मेरे सीने में छुपा रहे पुलिस को जिंदगी भर ये खबर नहीं होगी कि तुमने चलती गाड़ी में कभी किसी आदमी का खून कर दिया हेलो यस इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग हेलो हाँ नमस्ते मद्रास साहब जी हाँ मैं आप ही की फाइल देख रहा था जी जी सुबह तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी ओके आई विल सेंड इट टू यू ओके गुड नाइट क्यों भाई रमेश ये किसकी हस्तरेखा देखी जा रही है देखो मिस्टर ऊपर वाला सारी चीजें तुमको बताई नहीं जा सकती ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है सर ठीक है मैं भी एक बात बताने आया था मैं भी नहीं बताऊंगा सीक्रेट प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट अच्छा मैं पुलिस वाला हूँ सूरत देख के दिल की बात बता सकता हूँ बताओ शोभा के बारे में कुछ कहने आए हो ना मार दिया उस्ताद तुमने तो ज्योतिष के भी कान काटे हाँ इतनी जल्दी क्या है यहाँ तो दिल जल रहा है तुम मुंह की बात कर रहे हो चल शोभा क्यों कैसी है सचमुच ये जिस घर जाएगी उसकी शोभा बढ़ाएगी लेकिन होगा कोई फालतू मैं जाके दरियाफ्त करता हूँ जाओ जल्दी जाओ चलिए पहले वेटिंग रूम में थैंक यू हेलो आपने मेरी बीवी का फोटो क्यों लिया आप जानते नहीं कि बगैर इजाजत के फोटो लेना जुर्म है और मुजरिम को सजा चलो हटो आइए वो कहता था मेरी बीवी है बीवी यार तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी किसी दूसरे की बीवी को शोभा समझ लिया और फिर उसका फोटो भी ले लिया और तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर यहाँ चलाया रमेश आ, आ। क्यों मिस्टर आपने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा और उस आदमी को थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें बचाने के लिए मुझे बचाने के लिए जी जब तक उस कत्ल वाले मामले की तरफ से इत्मीनान ना हो जाए किसी सीआईडी वाले या अखबार वाले को तुम्हारा फोटो नहीं लेना चाहिए मगर ना तो वो सीआईडी वाला था और ना अखबार वाला
वो तो हमारे मकान के ऊपर वाली मंजिल में रहता है। तो क्या हुआ? उसका हमारे घर आना जाना है, अब वो सारी बातें माँ जी से कह देगा। तो तुम कह देना कि जो कुछ वो कहता है वो सब झूठ है। झूठ? मगर ये झूठ तो नहीं है। तो फिर सच बोल देना, माँ जी से कहना कि तुमने गाड़ी में एक आदमी का फोन कर दिया है। तुम भी कितनी भोली हो, बेवकूफ न बनो। एक बड़े खतरे से बचने के लिए इंसान कई छोटे छोटे झूठ बोलता है। ठहरो, तुम इसमें अपना नाम पता और टेलीफोन नंबर लिख दो। जो भी था वो चला गया। अब तुम जल्दी से अपना नाम पता वगैरह लिख डालो। मेरा पता लिखना क्या करेंगे? इसलिए कि अगर उस खून के बारे में कोई ऊंच नीच की बात हो गई तो मेरा तुमसे मिलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस जुर्म का आंखों देखा गवाह सिवाय मेरे और कोई नहीं। लीजिए। जया हमारी बिटिया रानी आई गई, तय सब कुछ ले कर। शोभा जी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी भी रामू से तुम्हारा ही जिक्र कर रही हूँ। क्या गाड़ी देर से पहुंची? नहीं माँ जी, तो फिर आने में देर क्यों हुई? अरे अरे तू रहने दे, नहीं तो उंगली काट लेगी। बेटी कुछ घबराई मालूम होती, गाड़ी में कोई तकलीफ तो नहीं? गाड़ी में? नहीं माँ, गाड़ी में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्लेटफार्म पे तो बहुत कुछ हुआ। नमस्ते माता जी। शोभा देवी, वो आदमी कौन था जो तुम्हें अपनी बीवी बता रहा था? दीदी, तुम भंग तो नहीं खा ली ऊपर वाला? भंग तो नहीं, थप्पड़ खा कर आ रहा हूँ माता जी, पूछो अपनी बेटी से। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा ही नहीं। वो तो ये कैमरा बताएगा जिसमें मैंने तुम्हारी और उस आदमी की फोटो खींची है। फोटो? हाँ, कल प्रिंट करके दिखा दूंगा, फिर पता चलेगा कौन सच्चा और कौन झूठा। गुड नाइट।
नहीं देती। शोभा की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते। आ गई शोभा रानी? जी हाँ, वो तो रात ही को आ गई। आप लोग भी आ जा रहे हैं ना? आज 6 बजे? अच्छी बात है, हम दोनों माँ बेटी आपका इंतजार करेंगे। नमस्ते। किसका फोन था माँ? रमेश की माँ का। कौन रमेश? ऊपर वाले का दोस्त, उससे तेरी सगाई की बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा लड़का है और पुलिस इंस्पेक्टर है। नहीं, मैं किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करूंगी। शोभा, मैं किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करूंगी। शोभा, दरवाजा खोला। शोभा, शोभा को क्या हुआ? होता क्या मालकिन, मन में कुछ और मुंह पे कुछ। जी हाँ जी, वो मैंने सब कुछ देख लिया है, बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से केस बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। खन्ना साहब, मैं फाइल भेज रहा हूँ आपके पास। जी हाँ, ये लो, ये फाइल ले जाके खन्ना साहब को दे देना। मे आई कम इन प्लीज? अरे आओ आओ, ऊपर वाले। बात क्या है, आज बहुत परेशान मालूम हो रहे? कुछ बात ही ऐसी है, मैं तो बड़ी उलझन में फंस गया। अच्छा, वो रात वाली लड़की शोभा ही। शोभा? ये कैसे हो सकता है? रात जब मैं घर गया तो वो अपनी माँ से बातें कर रही थी और कपड़े भी वही थे। कपड़े भी वही थे? तो फिर तुमने उससे पूछा नहीं कि वो आदमी कौन था जो उसे अपनी बीवी कह रहा था? पूछा तो था, मगर वो साफ मुकर गई, कहने लगी तुमने किसी और लड़की को देखा होगा। वेरी स्ट्रेंज, लेकिन तुमने तो रात में उनका फोटो भी लिया है ना? वेरी गुड, ठीक याद दिलाया, सबूत मौजूद है। तो फिर निकालो रोल, मैं भी प्रिंट करवाता हूं। हेलो मिस, विल यू प्लीज गिव मी फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट? अरे ये क्या, क्या हुआ? रोल गोल हो गया। रोल गोल हो गया? लेकिन तुमने कैमरा लोड भी किया था या नहीं? लोड तो किया था बाबा, पर रोल को गायब कर गया, कुछ समझ में नहीं आता। क्या तुमने इसका जिक्र शोभा से किया था? हाँ किया था, और सुनकर वो घबरा भी गई थी। ओह, अब समझ में आई बात।
मैंने कहा वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम कहो जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हुआ? अपना वार कभी खाली नहीं जाता। ऐसा जाल फेंका है कि पंछी तड़प कर जान दे दे मगर आजाद नहीं होता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब आने दो बुड्ढों को। लबों पर तबस्सुम निगाहों में बिजली, अरे कयामत कहां से चली आ रही है। टेलीग्राम तो है, कोई अच्छी खबर लाया? किसके पास है? आरती के चाचा और चाची का, अफ्रीका से। कल शाम के प्लेन से वो यहाँ आ रहे हैं। फिर क्या, अभी इंतजाम किए बेटा। जहन्नम में रुकना ही पड़ेगा। ठीक शाम के 6 बजे मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर होगी, समझ गई? हेलो हेलो, thank you.
आइए आइए, नमस्ते, आइए। बैठिए रामू, आप लोग बैठिए, मैं शोभा को बुलाती हूँ। शोभा, शोभा बेटी, शोभा, ये लोग भी बहुत बड़े थे। अजीब लड़की है, मुझसे पूछी गई है किसी सहेली के यहाँ चली गई। दरअसल गलती मेरी है, मैं उसे बताने भूल गई कि आज आप लोग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। आइए माँ जी। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं जाने दूंगी, चाय तो पीनी पड़ेगी। चाची आप तो काम का तल्लुक कर रही हैं। रामा जल्दी चाय ला। आइए आइए, आपको आइए चलिए। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? आप तशरीफ रखिए, बताता हूँ। बताइए। आपको मैंने अपने जाती काम के लिए बुलाया है। काम? मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? आप मेरी बीवी बन सकती हैं। आप होश में मिस्टर, किसी की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती, समझे? मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं मांग रहा हूँ शोभा, मैं तो सिर्फ 24 घंटे मांग रहा हूँ। 24 घंटे? भगवान के लिए जो कुछ कहना साफ साफ कहिए। तो सुनो, मेरी बीवी आरती बिल्कुल तुम्हारी सूरत की, मगर वो कुछ कुछ पागल है। अगर आप मुझे इसी तरह तंग करते रहे तो मैं फिर भी पागल हो जाऊंगी। अरे तुम क्या पागल हो, तुम्हारे लिए तो सारा जमाना पागल हो सकता है। खैर छोड़ो इस बात को, वो जो मेरी पागल बीवी है ना, उसके चाचा और चाची कल अफ्रीका से आ रहे हैं, तुम्हें उनके सामने एक दिन के लिए मेरी बीवी बनना होगा, और मैं दिखावे के लिए हमें एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी होगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम्हें कानून के हवाले कर देना होगा। ठीक है, तो कर दीजिए कानून के हवाले। अच्छी तरह सोच लो इसका नतीजा क्या होगा। मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल गई हो? तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, फिर 24 घंटे की जरा सी मदद चाहता हूँ, मेरा काम बन जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। वरना कल अखबार में जब तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारी तस्वीर छपेगी, तब तुम्हारी सहेलियां क्या कहेंगी, तुम्हारी माता भी क्या कहेंगी। फैसला करने से पहले जरा अपनी माँ के दिल के अंदर छाप और सोच लो कि उस गरीब के दिल पर क्या गुजरे जब वो तुम्हें अदालत के कटे ना। मुझे मंजूर है, आओ मेरे साथ। देखा तुम, यह है आरती की तस्वीर, इसमें और तुम में बहुत थोड़ा सा फर्क। अगर तुम्हें आरती की यही साड़ी और जेवर पहना दिए जाए और इसी तरह माथे पर टीका लगा दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई इस फर्क को मालूम न कर सकेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल आरती लग रही है। उस पगली की बजाय तुमसे शादी हो जाती तो मेरा मतलब दुनिया तो लगा ही नहीं। ला लगा दो। छोड़ यार,
अब देखो कल 3 बजे यहाँ आ जाना, यहाँ से इकट्ठे एयरडोम चलेंगे। जी बहुत अच्छा। सुनो, आरती जरा कम बोलती थी और जिद्दी थी। जा सकती और ये कपड़े तो मैं भूल गया, उतार। हर चोर पराए घर को अपना घर समझता है और पराए माल को अपना माल। ऊपर तक पहुंचा दीजिए ना, और कल को जब इस घर से माल गायब हो जाए तो मैं भी पकड़ा जाऊं। क्या हुआ? मैंने कह दिया ना कि मैं चोर नहीं हूं। अरे अगर तुम चोर नहीं हो तो उस तरफ से दरवाजा खटखटा के सीधे बरामदे चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, माता जी जान जाएगी। तुम कैसी लड़की हो जो माँ से डरती हो? कैसे न डर, इतनी देर से जो घर आई। तो सवाल यह है कि इतनी देर तक घर से बाहर तुम कहाँ रही और क्यों रही? तुम तो ऐसे सवाल करते हो जैसे शहर के थानेदार तुम्ही हो। चोरों के साथ थानेदार बनना ही पड़ता है। मगर मैं चोर नहीं हूँ। बात यह है कि मेरी माँ मेरी शादी पुलिस वाले से करना चाहती थी और वो लड़का आज अपनी माँ के साथ मुझे देखने आने वाला था। ओ, फिर? फिर क्या, उनके आने से पहले ही मैं घर से भाग गई। घर से भाग गई कहाँ? अपनी और अब वहां से आ रही हूँ। हाँ तो ये कह रहे थे तुम कि तुम्हें वो पुलिस वाला बिल्कुल पसंद है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो आज तक उस बेचारे की सूरत भी नहीं देखी। मुमकिन है वो अच्छा आदमी, लेकिन मैं किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करूंगी। क्यों साहब, पुलिस वालों ने क्या कसूर किया? अरे पुलिस वाला तो एक अच्छा शहरी होता है, हमेशा कानून का साथ देता है। वो जीवन का साथी कम और कानून का साथी ज्यादा होता है। अगर तमाम लड़कियां तुम्हारी तरह सोचने लगे तो बेचारे सारे पुलिस वाले कुमारे रह जाए। अच्छा ये तो बताओ कि तुम पुलिस वालों से इतना डरती क्यों हो? मालूम होता है तुमने कोई जुर्म किया। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दे, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आप मुझे खिड़की तक पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आइए। मेरी सहेली की यहाँ देखी ना, मुझसे पूछ कर जाने गई। मैं जरा जल्दी में थी ना, इसलिए चिट्ठी छोड़ गई थी। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुझे चिट्ठी छोड़नी पड़ी? एक बहुत जरूरी काम था ना। झूठ मत बोल, साफ साफ क्यों नहीं गई थी कि तू किसी के तो फिर सच कर बता। कहाँ गई थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। काश मैं किसी तक मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। तू मेरे मुंह पर काली लगाना चाहती है, तू चाहती है कि मेरा उजड़ा सुहाग मुझ पर आंसू बहाए। मेरे पिताजी तो चले गए पर मुझ पर नसीब कुछ दिन के लिए जिंदा छोड़ गए। भगवान, मुझे भी उनके साथ उठा लिया होता। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती Thank you.
वो देखो प्लेन आ गया। चौड़े सी है ना, वो है तुम्हारे चाचा, और जो उनके साथ वो एक मोटी सी औरत है वो है तुम्हारी चाची, समझी? ऑफिस कौन भाकड़ी साहब है? आ जाओ दे। विल यू प्लीज डू मी ए फेवर? देखिए ये DLC 2831। जी हाँ, जरा इसके ओनर का नाम और पता तो बताइए। ओ थैंक यू वेरी मच भाकड़ी साहब, थैंक यू। ओके आपकी भतीजी आपके सामने, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनको मुझसे क्या शिकायत। चुप क्यों, बोलो ना। हाँ हाँ बेटी, डरो नहीं, अगर तुम्हें इनसे कोई शिकायत है तो बता दो। शिकायत तो है, और बहुत बड़ी शिकायत। साफ साफ बोलो बेटी, हम आज इस बात का फैसला करके ही जाएं। शुरू से ही इन्होंने मुझे इतना खुश रखा कि कभी शिकायत का मौका ही नहीं आने दिया। चाचा जी, मैं तो सचमुच अपनी किस्मत पर नाज करती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने, और मेरी सोबत में रहकर कितने पुरमजाक गुफ्तगु करने लगी। जब ये बात थी तो तुमने मुझे कुमार के खिलाफ इतना लंबा चौड़ा खत क्यों लिखा? मैंने तो आपको कोई खत नहीं लिखा। यह है तुम्हारा खत। मगर चाचा जी, ये खत तो मेरा नहीं है। अच्छा, रात बहुत हो गई है, चलिए मैं आपको नीचे बेडरूम तक छोड़ा। नहीं, हम चले जाएंगे, तुम लोग आराम करो। नमस्ते। नमस्ते।
लीजिए अपनी अमानत। थैंक यू। अब मुझे यहाँ से जल्द जाने दे। मैंने आपके लिए आपकी मर्जी के मुताबिक और अपनी जमीन के खिलाफ ये ड्रामा खेला, बस अब मेरा पीछे छोड़िए। अच्छा तुम जा सकती हो, लेकिन कल सुबह आ जाना, चाचा जी को रुख्सत करना है ना। और सुनो, ये राज राज ही रहना चाहिए, वरना ये खूबसूरत गर्दन होगी और फांसी का फंदा, समझी? जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो चली गई। तुम्हारे सामने कौन ठहर सकता है? उसने क्या है? जो कुछ है तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए? सिर्फ जेवर ही नहीं, मेरे साथ ये गुलाम भी आपके लिए है। ए गुलाम, ये हार हमें पहना दो। जो हुक्म अलका आ दिया। तुमने अपने गुलाम की चालाकी देखी? किस होशियारी के साथ सबके सामने आरती की चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कुमार। क्यों? चिट्ठी फाड़ने के बजाय अपने पास रख लेते और बाद में जला देते। अरे बात तो ठीक कहती हो, गलती हो गई। अभी लाया। चिट्ठी का तो वहां एक टुकड़ा भी नहीं। कहीं शोभा तो नहीं है? शोभा? बेटा दुनिया क्या करने आए? मैंने तो तुम्हें छुपे रहने को कहा। मैं यहाँ कुछ हिसाब करने आया। कैसा हिसाब? आपके लिए ट्रेन में मैंने जो नाटक खेला था उसका कुछ हिसाब बाकी है। उसका तुम्हें 200 रुपया मिल तो गया है? इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 200? और क्या 2 लाख चाहिए? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपको मिला है उसका आधा हिस्सा मुझे मिले। आधा हिस्सा? जी, और अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझे शोभा से मिलना पड़ेगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। ठीक है, मैं मानने पर मजबूर। पिस्तौल निकालने की कोशिश मत करो। मैं तो सेफ की चाबी निकाल रहा था तुम्हें रुपया देने के लिए। चाबी इधर फेंको। सेफ कहाँ है? आधा हिस्सा लेने आया था, और वो भी कुमार से। मगर अब पूरा हिस्सा मिल गया। मेरी जिंदगी खतरे में है, भगवान के लिए आकर मुझे बचा लीजिए। आपकी बदनसीब आरती। आरती? हेलो ऑपरेटर, हाँ, विल यू प्लीज गिव मी 493729। ओके। हेलो, आरती देवी हैं? आप कौन हैं? मैं पूछता हूँ, आरती देवी घर में है? मगर आप कौन हैं? आप तो उल्टा मुझी से सवाल करने लगे। मैं पूछता हूँ, आरती देवी घर में है? मगर आप कौन होते हैं पूछने वाले? ओ, तो गए, आप बताना नहीं चाहते कि आरती देवी कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? मालूम नहीं किसका फोन था। तो आरती कहाँ है? It's not.
डॉक्टर से इस तरह जालिम जमाने की शिकायत करती रहोगी, तुम जब चाहो आजाद हो सकती है। पहले मेरी शर्त पूरी करो, अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम लिखवाओ। तुम्हारे नाम लिखा दो ताकि तुम मेरी सारी दौलतों से छुड़ाई पर निछावर कर दो। आरती, ये कभी नहीं हो सकता। और जालिम से जालिम पति के लिए अपनी जान तक दे सकती है, अगर वो शौक का कम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो औरत अपने पति की खुशी में खुश नहीं वो उसके लिए जान क्या दे सकती, सब फजूल बात। ऐसा न कहो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती। मगर जरा सोचो तो, अगर तुम्हारी बिजली तुम्हारे सामने किसी और के पहलू में बैठ जाए तो तुम्हारे दिल में क्या गुजरे। आरती, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही। जिस बात को सुनने से तुम्हें इतना दुख पहुंचा वो बात मैं हंसी खुशी कैसे बर्दाश्त कर लूं। ये दुनिया की कौन से धर्म का इंसाफ है। दिल की मर्जी किसी धर्म के इंसाफ की मोहताज नहीं होती। तुम्हें मार कर मैं खुद फांसी चढ़ जाऊं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो रमेश। वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी थी। यस, कहो। इस केस में दिल्ली के एक बहुत बड़े रईस मिस्टर कुमार का हाथ है। मैं उन्हें कई दिनों से वॉच कर रहा हूँ, उनकी एक्टिविटीज पर मुझे शुबा है। ओह, आई सी। और साथ ही साथ इस केस में एक ऐसी लड़की भी इन्वॉल्व है जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी। देन? लेकिन बाजुजुहात के बिना पर यह सगाई नहीं हो सकी। केस के हालात कुछ अजीब और गरीब सूरत अख्तियार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कानून के हवाले कर दूं। वेल रमेश, कानून की हद में रहकर तुम जो चाहो करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है। बट बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। मुझे कहा चली खुद गई। एक करना, अरे देखिए अपना तो झंडा ही है, अगर आज मैं फोटो नहीं लूंगा तो जूते मर जाऊंगा। क्या तुमको कुछ नहीं है? देखो मैडम, हम तुम्हारे फर्स्ट क्लास फोटो लेके देगा, फिर तो तुम बच्चे का फोटो लेके देगा ना। हाय हाय, अरे तुम किसी फिल्म स्टार से कम हो क्या? माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी। जरा सिगरेट का धुआं जाता है तो ये आंख बेअख्तियार झपकने लगती है। ये गई गई तक तक। देखा, ये तो कोई खास मर्द नहीं है साहब। ये बहुत खतरनाक मर्द है साहब। जब कभी ऐसा होता है तो एक मैडम कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाती है और वो ये समझती है कि मैं उसे आंख मार रहा हूँ। अरे आप हंसते हैं, ये कोई सीरियस बात नहीं है। अजी, ये बहुत सीरियस बात है। उसके बाद वो बगैर पूछे एक थप्पड़ जड़ देती है।
तो मर्तबा ऐसा हो चुका है, ये गाल भी दर्द करता है, ये गाल भी दर्द करता है, और जबड़ा हिलता है। समझ गया, समझ गया। चलो अभी उसका लेके जाना जल्दी। अब भी और डॉक्टर, मेरा हार्ट भी शायद कुछ वीक है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये लो, इसने दो दवाएं लिखी हैं, एक तो पीने के लिए और दूसरे आई ड्रॉप। डॉक्टर साहब, परहेज 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 यही कि अपनी आंखों पर काला चश्मा रखो, किसी सिगरेट पीने वाले के करीब न जाओ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मजन को देखते ही पर अपनी दोनों आंखें बंद कर। समझ गए? जाओ जाओ। अरे कंपाउंडर साहब, जरा जल्दी कीजिए, घर जाना है। ये कंपाउंडर की उधारी मालूम होता है। यस प्लीज। हाँ यस। मर के बाप। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरा पीछा करके चले गए? गेट आउट। माफ कीजिए मैडम, मैं दवा लेने आया हूँ। दवा उस मर्ज की जिसकी जड़ तुम हो, वो रहा नुस्खा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा पीते ही मर्ज जाता रहेगा, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। किस बात की? बताता हूँ, मुझे थप्पड़ रसीद करने की बहुत भारी आंख है आपका। तुम जैसे आवारा गुंडों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। कमाल, छुरा खुद के हाथ में, आवारा गुंडा मैं। मैडम आपको धोखा हुआ है, मैं निहायत शरीफ और खानदानी आदमी हूँ। जी हाँ जी, वो तो आपकी सूरत बता रही। मैडम, ओ मैडम, क्या आहिस्ता कान के पर्दे फट गए। दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कब फ्री हो? मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो है। संडे को भी फुर्सत नहीं? संडे को तो दवा खाने बंद होते हैं। संडे को मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ। ओ, सहेलियों के साथ। कहाँ? कुतप्पा। बड़ी अच्छी जगह, बड़ी अच्छी जगह। मैं भी आ जाऊँगा। नहीं लो। मैं तो जी, मैं जाऊँगा। जाओ। ए पैसे की दी चेंज। कीप द चेंज क्या? दो आने और लाओ मिस्टर। अरे मर गया, मैं मर गया था। सलाम सलाम सलाम। हेलो। ओ हेलो हेलो। हमारी शीशी में क्या है? दर्द दिल की दवा। ओ मालूम होता है फिर किसी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। फिर का क्या मतलब? गोया इससे पहले भी कोई लड़की बेवकूफ बना चुकी है? जी हाँ। किसने? जिस लड़की ने तुम्हारे कैमरे से ये रोल चुराया है। ये रोल तुम्हें कहाँ मिला? शोभा के घर से। शोभा के घर से? हाँ। इस कदर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले। ऊपर वाले की मदद के बगैर कोई काम नहीं होता है। चलो राजा। चलो रूल तो रख दे भाई। हाँ 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 भाई। क्या चाहते हो? सरकार इतनी सख्ती से न पेश आइए, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। हमारे जिस्मों पे न जाइए, हमारा दिल बड़ा नाजुक होता है। देखिए अभी तक धड़क रहा है। हुजूर, अगर रुखे अंबर पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए तो। अमा छुटनिया, क्या ये वही मिर्जा गालिब की दिल्ली है जो कहा करते थे अब वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी सारे घर को देखते हैं। दिल्ली तो आपके चचा गालिब ही की है, लेकिन ये घर मेरा आपके बाप का नहीं। निकल जाओ यहाँ से। इस तरह तो हुजूर हम जाने वाले नहीं। इस सरकार को तकलीफ तो होगी, हमें उठवा कर बाहर फेंकवा दीजिए। लेकिन जरा एहतियात से सरकार। बात यह है कि इसमें इतर की शीशियां हैं जो हम लखनऊ से आपकी बेगम साहिबा के लिए लाए थे। मेरी कोई बेगम बेगम नहीं है। वल्लाह हम हुजूर के मजाक की दाद देते हैं। देखा सरकार हमें बनाते हैं। अरे कहाँ चला चुटन मियां? देखो तो ये तस्वीर किसकी लगा रखी है? वल्ला हुजूर, आपकी बेगम साहिबा हमसे कई दफा इतर खरीद चुकी हैं। आप जरा अंदर खबर करवा दीजिए, कहलवा दीजिए कि छुट्टन मियाँ और बब्बन मियाँ तशरीफ लाए हैं। हमको खाना बदोश कहते हैं, यानी इत्र फरोश कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शेर कहा है आपने, तो सारा मुशायरा कर दिया। आधा बस आधा बस। छुट्टन मियाँ तशरीफ रखिए। नहीं हुजूर, पहले आप। नहीं पहले आप। देखिए साहब,
ना तो मुझे कोई इत्र से दिलचस्पी है ना मेरी बेगम। अजी दिलचस्पी पैदा करना तो हम गुलामों का काम है। चंपा चमेली वाला हूँ, जरा बेगम साहब को बुला दीजिए ना। मैंने अर्ज किया ना कि हुजूर आप तो फरमाइए, अर्ज करना हम खादिमों का काम है। ये देखिए इसे इत्र गुलाब कहते हैं, खुशबू में लाजवाब कहते हैं। गालिबन सरकार को पसंद नहीं आया, अब मैं आपसे इत्र और शेर दोनों के दाद चाहूंगा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि इत्र और शेर दोनों मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। सरकार इन्हीं दोनों में तो जिंदगी है, शेर अगर औरत है तो इत्र उसका शबाब। इसको कहते हैं रात की रानी, हर जवानी है इसकी दीवानी। हाँ तो कन्या कमाल कर दिया आपने, खत्म कुरान के सारा मुशाहरा हो गया। देखिए बेगम साहिबा आजकल यहाँ नहीं है। आजकल यहाँ नहीं है तो फिर हम नेकबक नहीं पूरे कमबख्त है, लेकिन आप तो लगाइए। और देखिए अगर उनके आने का जल्द इम्कान है तो बंदा यहाँ कयाम फरमा सकता है। आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए, इत्र लगा लगा कर आप लोगों ने मुझे इत्र की दुकान बना दिया। और वो इस बात से कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता मगर शोभा इस चक्कर में कैसे हो क्यों फंसी यही तो मालूम करना है। हिना का एक छाया हमें भी इनायत कर दीजिए। बल्ला एक अर्से के बाद लखनऊ के इत्र फरोशों की जियारत हुई है। अमर छुट्टिया मुँह क्या देख रहे हो, दे दो एक छाया। देखिए हम लोग इत्र फरोशनी है समझे। वल्लाह ये क्या मजाक है, हमें वल्लाह ये क्या मजाक है छुटनिया। खैरियत साहब मैं आपको उम्मीद देता हूँ। वल्लाह लखनऊ के इत्र फरोशों को इतना बदतमीज नहीं देखा। ये लीजिए फाया लगा लीजिए। अम्मा इसकी क्या जरूरत है, काम का ये इतने हिना है सरसों का तेल कमबख्त धोखा दे गया। खैरियो अरे हजरत खैरियो चली गोरी बाजार। बाजार तो उधर है, इधर तो धोबी घाट है। ओ, मुझे जाना था उधर और आगे इधर। ओ, ये आधी रात को बाजार जाने का मतलब? जी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, एस्प्रो की टिकिया लेने जा रही थी। लेकिन आपके सिर में दर्द क्यों हो रहा है? आपका ये बेसुरा बाजा सुनते हैं। बहुत खूब, तो तुझे मैं बेसुरा हूँ? देखिए साहब मैं बिल्कुल सुर में हूँ और मेरा बाजा भी सुर में है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपका मिजाज सुर में नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे बाजे की सुरेली आवाज सुनकर इंसान तो क्या जानवर भी खींचे चले आते हैं। जी हाँ जैसे ये कुत्ता। सुर में बहुत दर्द होने लगे। अच्छा तो फिर निकालिए दोनों और ये लीजिए। अरे वाह, तो फिर आप क्या समझ के बाजार जा रही थी? क्या इस पर मुफ्त मिलता है क्या? खैर क्या याद कीजिएगा किसी रईस से पाला पड़ा लीजिए। क्या काम से? जो दर्द देते हैं वो दर्द की दवा भी अपने पास रखते हैं। लेकिन एक अर्ज करूं, आपके दर्द का इलाज ये एस्प्रो एस्प्रो से नहीं होगा बल्कि कुछ खुली हवा में चलिए। आइए। अरे आइए ना, कहिए जगह पसंद आई? जगह तो बहुत खूबसूरत है। सर का दर्द भी कुछ कम हुआ? कुछ कुछ कम हुआ। वैसे ये आधी रात में सर का दर्द बहुत बुरा होता है, ये जाहिर करता है कि आप सोती कम है और सोचती ज्यादा है। ये तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। क्या सोचती? कुछ अपने पति के बारे में? पति? किसका पति? मेरी कभी शादी भी नहीं हुई मिस्टर, मिस्टर पोल। सॉरी वेरी सॉरी, लेकिन आपकी ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि एक लड़की जो जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, उसको रात में नींद क्यों नहीं आती? इसके सिर्फ तीन कारण हो सकते हैं। हाँ कौन कौन से?
नंबर एक कि वो अपने पति के बारे में सोचती हो, उसके मुतालिक तो तुमने इनकार कर दिया। नंबर दो, शायद वो अपने होने वाले पति के बारे में कुछ सोचती हो। नहीं, खैर जाने दो। नंबर तीन ये कि शायद उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो कि मैं तो कोई जुर्म नहीं किया। मैं कब ये कह रहा हूं कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया है? मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि किन हालात में एक नौजवान लड़की को नींद नहीं आती है। बस ऐसे भी तो हो सकता है कि उसे नींद न आने की शिकायत हो, और ऐसे भी हो सकता है कि उसके दिल में शायद किसी की मोहब्बत जाग रही हो। क्या आपके पास मोहब्बत को दूर करने की टिकिया भी है? ऐसी कोई दवाई अब तक इजाद तो नहीं हुई है, और अगर होती तो आजकल इसकी जरूरत मुझे भी है। ये आदमी कौन? आपने मुझे इस बारिश में क्यों बुलाया? आप तशरीफ तो रखिए, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा ऐसा सब बता। नहीं नहीं, अभी बताइए कि आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? दिल से मजबूर होकर। क्या मतलब? मतलब यही कि दिल ने मजबूर किया कि आपको एक नजर देख लूं, इसलिए बुला लिया। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लेकिन किस्मत जरूर खराब है। जब से तुम्हें देखा चैन नहीं पड़ता, हर वक्त तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत आंखें सामने घूमती रहती है। क्या कर लो, पुलिस को बुला लोगी? हाँ हाँ, पुलिस को बुला लूंगी।
तुम्हारी गंदी बातें सुनने से तो यही अच्छा है कि वो फांसी के तख्ते पर चल जाऊं। खबरदार, जो मुझे आइंदा कभी बुलाया या मुझसे मिलने की कोशिश की। अब इंस्पेक्टर रमेश के पास कोई सबूत न रहेगा और हमारे खिलाफ कोई गवाही न दे सकेगा। माफ कीजिए, मैं अपना पर्स भूल गई। फोटो तो मेरा खींच गया। पहलवान जी, तुम जब उसको गिराएगा तो तुम्हारा फोटो लेगा ना, तुमने तो खुद पीक टेक दी। अरे मेरे यार, हम तो गिरने की प्रैक्टिस कर रहे। अच्छा वो क्यों? आज शाम को पहाड़गंज में दंगल होना, उसमें हम गिरेगा। एक बात समझ में नहीं आई, तुम जानबूझकर गिरोगे?
अरे भाई पैसा लेकर गिरेगा, 500 रुपया, समझे? 500 रुपया भी थोड़ी रकम नहीं है। तो तुम्हें रुपया चाहिए, इज्जत की कोई परवाह नहीं? अरे इज्जत गई साली चूल्हे में, माल आएगा, पैसा मिलेगा, सब सलाम करेंगे। हाँ। जी, अपना हाजमा खराब है। ऐसे ले आओ, सारा हाजमा ठीक है। महाराज तुम्हें भी तलवार हो? प्रधान जी उसे थलो पहलवान हो, तू खाली हो। और ले बाबू, अब खींच ले हमारा फोटो। चल पेड़ी पेड़ी। अरे अरे जनक है, हमारी मुछलियां जरा नीचे हो गई, हम इसको ऊंचा कर ले। चल बस हो गया काम। अब जिस खबर में ये फोटो निकले वो खबर हमको ला देना। ला दूंगा ला दूंगा, और उसके नीचे लिख दूंगा रुस्तम हिंद पहलवान पाके। बस बहु अब तुम हमको अजमा लेना, हम भी तुम्हारे कम आएगा। मारता दादा बहुत कम करता है। बांका पहलवान रुस्तम हिंद। पहलवान जी हाँ, मेरा एक काम करोगे? अरे आप हुक्म करो, क्या काम है तुम्हें? काने दिला। हाँ हो जाएगा, 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया मुफ्त का काम नहीं, गिरने पड़ने से हमको 100 रुपया मांगते हैं भाई। हाँ 100 रुपया देगा, लेकिन काम सफाई से होना चाहिए। संडे कुतुब मीनार भूलना नहीं। अरे भूलेगा कैसे, तुम 100 रुपया लाना नहीं भूलना। हाँ। और सुनो जब तुम हमको मारपीट करेगा इधर हमको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। इधर मारना
कुछ नहीं दिखता बाबा, कुछ नहीं दिखता। आस्ते आस्ते गो, चला पकड़ता हूँ। मैं गया तो मर गया, बच्ची मर गया, बचाएगा कौन? और पहलवानों के कुड़िया नहीं छेड़ दे। तू कुड़ी का मामा लगना हो? हाँ। नहीं तू कुड़ी का प्यू लगता जे। लगा क्या कर रहे हो? छोड़ दे। अरे ऐसे कई पहलवानों को कबूतर बना के उड़ाती है। कोई चांस नहीं, आ जा घर जा, लड़की को फ्रिज से बाहर जाने दे, तू जा। सचमुच मारते हो, गिर जा। अरे 130 दूंगा, 130 अच्छा दूंगा, गिर जा। मार खाना पड़ेगा, भेजा पड़ दूंगा। अरे कैसे सो, आज भी तो दुखती है, बहुत जोर जोर से मारा है कमर में। हाय कमर में हड्डी आ गई। आइए यही वक्त आने का। कहिए उसके ऊपर वाले क्या हाल है? ठीक ही तो है अमा। जिस पहलवान से तुम्हारी लड़ाई हुई उसका मैंने बयान लिया, वो तो कुछ और ही कहता कह रहा था। ओ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ हाँ मैं समझ गया, झूठी बोलता हूँ। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये भी दुखता है। ये भी दुखता है? हाँ। मैं तुम्हारे कहाँ कहाँ दुखता है? सारा जिस्म दुखता है, ऐसा मालूम होता है कि जिस्म की एक एक हड्डी अपनी जगह से अलग हो गई है। अरे हड्डी अलग हो गई है तो क्या? अच्छा देखो साथ वाले कमरे में एक पुलिस केस है, मैं वहां रहूंगा, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन टेलीफोन करके मुझे बुलवा रहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत ख्याल रखती मेरे भैया। आओ आओ।
मैंने इनका बयान ले लिया है। अच्छा। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा तुम बाहर ठहरो। तो आप हमला करने वाले को बिल्कुल नहीं पहचान? जी नहीं। और आप दिल्ली में अपने खाविन को ढूंढने आएंगे? जी हाँ। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि आपके खाविन दिल्ली में? जी जी, उन्होंने पिछले महीने की 12 तारीख को जो 200 रुपए का मनी ऑर्डर किया था उस पर दिल पोस्ट ऑफिस की मोहर थी। ओ, आपके पास अपने पति की कोई ऐसी तस्वीर है जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है? हाँ, यह उम्र पत्नी। ये लीजिए। ये हैं आपके पति। सारा प्लान समझ लिया है ना? देखो कुछ गलती नहीं होनी पाए, लड़की को किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छा। नमस्ते मां जी। नमस्ते। कहाँ से आई हो बेटी? मेरा नाम सावित्री है, मैं शोभा से मिलने आई हूँ। अच्छा अच्छा बैठो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। शोभा, शोभा। आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको जानती हूँ। आप देहरादून डांसिंग स्कूल में नाच और गाने सीखती थी ना? जी हाँ, मैं भी वहाँ डांस सीख चुकी हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बैठिए ना। शुक्रिया। अभी कुछ दिन हुए मैं वहाँ गई थी, प्रिंसिपल मिसेज मेहता से मेरी मुलाकात हुई, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। जी हाँ, वो मुझे बहुत चाहती थी। कहीं स्कूल तो ठीक से चल रहा है ना? मैं इसीलिए आपके पास आई थी। स्कूल की हालत कुछ आजकल अच्छी नहीं, अगर मिसेस मेहता की इस वक्त मदद ना की गई तो शायद स्कूल बंद हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे 150 की मदद से क्या हो सकता है? आप ठीक कहती हैं, मगर मैंने एक स्कीम सोची है। स्कूल की मदद के लिए हम मिलकर एक वैरायटी प्रोग्राम कर दें तो बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करने को तैयार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने आपसे बगैर पूछे आपका नाम प्रोग्राम में दे दिया है। ये देखिए। नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? मैंने कहा क्या काम है आपको मिस्टर? देवी जी, हम विधवा आश्रम से पधारे हैं। आए? मैं पूछती हूँ आपको काम क्या है? जरा सा कष्ट देना है देवी जी आपको, थोड़ा सा चंदा मिल जाए तो। ओ, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, आजकल मैं खुद बड़े कष्ट में हूँ। कष्ट में? क्या कष्ट है देवी जी, जरा स्पष्ट कहिए, क्या आप भी विधवा हैं? विधवा? अरे विधवा के बच्चे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ से मैं कहती हूँ, मेरी बात सुनिए। तेरी बात मेरा बैग ये पकड़ा था। बैग निकल गया यहाँ से। चले आए चंदा मानी। क्षमा कीजिए देवी जी, इतनी कठोरता बरती हम सेवकों के साथ, कुछ अपने भविष्य का ख्याल कीजिए, इसलिए विधवा आश्रम के लिए एक चंदा दीजिए, भविष्य में यही आपके काम आएगा। तू यहाँ से निकलता है या नहीं? अरे मैं सॉरी।
आई एम सॉरी, आज तक तो चाटे पड़ते थे और अब झाड़ू से शुरू हो गई हो। ऐसी मोहब्बत से मैं बात आया, मैं तो चला अपने घर, क्या समझी? अरे, डार्लिंग, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। जी हाँ, उस पहलवान ने भी गलती से मारा था, तो आज तक हड्डियों में दर्द है। समझी? मैं मालिश कर देती हूँ। मुझे मालिश वालिश की कोई जरूरत नहीं, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं डांस के प्रोग्राम की टिकट लाया हूँ। किसका डांस होगा? इसका डांस होगा फर्स्ट क्लास, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। डार्लिंग, डार्लिंग क्या है? कुछ जल रहा है। जलने दो। हाँ जलने दो। मेरा भी पत्ता जल गया। आपका ख्याल दुरुस्त है, इस चैरिटी शो के करने वाले बोगस मालूम होते हैं। ठीक है, तुम लॉबी में इंतजार करो, अगर कोई डाउटफुल कैरेक्टर नजर आए तो फौरन आकर मुझे खबर देना। ओके। लकी नंबर है, तुम आगे आगे बढ़ो, आप ही अपराध करोगे। सलमान जी जरा माफ कर लो। चलो ना। करूं, दिल कहीं पे सो गया, जान
आइया बैठो बैठो। शांति शांति शांति। तुमको नहीं भाई, मैं हृदय की शांति को कहता हूँ। तुम भी बैठो ना। बैठो ले जाओ उसे, ला दो, मैं भी आता हूँ। मैं पूछता हूँ तुमने किसके कहने से शोभा पर गोली चलाई? सुनो, किसके कहने से तुमने शोभा पर गोली चलाई बताओ, बोलो बताओ, लिख के बता सकते हो? लिख के बताओ। यो इडियट निहाल सिंह, ले जाओ उसे। पता चला वो आदमी कौन था? वो आदमी तो गूंगा और बहरा निकला, उससे कोई क्या पूछे। और फिर तुम भी कुछ नहीं बता रही हो? शोभा, तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हो। आखिर ये राज क्या है? क्यों उस आदमी ने तुम पर गोली चलाई? उसे या किसी और को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? बोलो शोभा, बोलो। अरे तुम बोल रही हो? क्या? अरे इस तस्वीर को देखते ही तुम डर क्यों? क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। नादान ना बनो शो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और ये जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। सच सच बता दो, इस तस्वीर का तुम्हारी जिंदगी से क्या ताल्लुक? मैंने एक आदमी का खून कर दिया। खून? और तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सच कह दिया। जब मैं डांस की तालीम खत्म करके दिल्ली वापस आ रही थी तो अचानक ये आदमी गाड़ी में कूद पड़ा। इसके हाथ में पिस्तौल था। ये मुझे और मेरे एक हमसफर को लूटना चाहता था। उस मुसाफिर ने इसका पिस्तौल गिरा दिया, इसने अपना चाकू बाहर निकाला और चाहता था कि उस मुसाफिर को जान से मार डाले। अचानक मेरी नजर उस गिरे हुए पिस्तौल पर पड़ी। मैंने वो पिस्तौल उठाकर उस पर फायर कर दिया। मगर ये सब कुछ मैंने उस मुसाफिर की जान बचाने के लिए किया। ये सब कुछ मैंने उस मुसाफिर की जान बचाने के लिए किया। Oh, my God.
मालकिन क्यों रामा बिटिया बाहर तो नहीं तो फिर कहाँ गई भगवान जाने कहाँ चले गए सवेरे जैसे मैंने देखा दरवाजा खुला है फौरन आपको खबर कर दी मेरा तो दिल बैठा जा रहा है घबराइए नहीं मालकिन मैं फिर जाके उसे ढूंढता हूँ अब के मैं उसे साथ ही ले आऊंगा जरा ऊपर वाले से पूछ शायद उसे पता हो और देख हा? अगर तुझे आने में ज्यादा देर हुई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी अच्छा मालकिन चल आगे जा भाई आगे जा काहे हैरान करे जी आओ कोई दुकान चल जा परेशान है बिटिया चलो 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 बिटिया बिटिया क्या सोचती हो तुम रास्ते में बैठे चलो अपने घर चलो चलो बेटा चलो चलो माता जी सब कुछ मार्किन बिटिया नहीं आई गई सुबह मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई थी अरे ये तुमने क्या हाल बना रखा है बेटी मैं आपकी बेटी नहीं हाँ आप कौन मैं कौन क्या तो आपने माँ को भी नहीं पहचानती मेरी माँ तो कब की मर चुकी मुझ पर नसीब का इस दुनिया में कोई ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान क्या सुन रही हूँ हिम्मत से काम लो मालकन विजया की तबीयत अच्छी नहीं है डॉक्टर को बुलाओ हाँ रामू जल्दी डॉक्टर को फोन करो न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को मुझे कुछ नहीं हुआ तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो मैं आती हूँ सुना है तुम अगर मैं ना मारती मैं ना मारती आप कुमार साहब की पत्नी है आप उनको जानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ बेटा ये क्या हो रहा है मेरी शोभा कहाँ है फिक्र न करो चाची आप शोभा भी मिल जाएगी इतने दिनों तक आप कहाँ उन्होंने मुझे कैद कर रखा था खंडा में अच्छा तो यहाँ से बहुत दूर आप मुझे वो जगह बता सकते हैं तो फिर आइए मेरे साथ बेटा रमेश फिक्र न करो चाची शोभा ही के लेने जा रहा हूँ नहीं, 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 नही
अगर शाम तक आरती का पता नहीं बता तो चाहे यही घुला घुला के मार डाल, समझा? और बात की कचूमर नहीं निकाल दी तो हमारा भी नाम ना ही यही बैठ के सड़क कर गिरती है। केदार तुम शोभा का शोभा शोभा हाँ हम तो क्या बताओ थी शोभा और चिंता नहीं करता है यहाँ कोई लड़की को लग रहा है? लड़की? हाँ मेरा मतलब शोभा से। यहाँ तो कोई नहीं आए। ये तो खत्म हो गया, शोभा यहाँ नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुमार उसे अपने घर ले गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर चलो जल्दी चलो। हरा हुआ है, इसलिए हारी है, लड़ाई में मौत आ गए। आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। अब जो हमारे दिल पर गुजर रही है उसका कुछ ख्याल ही नहीं, वो तो आज तक तुमने हर तरह मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। सुमार दरवाजा खोलू, सुमार यहीं बैठी रहना, नहीं तो गोली मार दूंगा। तो यहाँ फिर क्यों ले? मेरी मर्जी। अब इस घर में तुम्हारी नहीं हम दोनों की मर्जी चलेगी, तुम्हें बताना होगा। अगर मैं ना बताऊं तो शोभा को वापस करना होगा। ये नहीं हो सकता, पुलिस का जाल चप्पे चप्पे पर बिछ चुका है, वो किसी वक्त भी शोभा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते, इसलिए मैं उससे शादी करूंगी। तुम शोभा से शादी करोगे? हाँ, एक हिंदू औरत फांसी के तख्ते पर चढ़ सकती है लेकिन अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। मालूम होता तुमने अभी तक औरत को पहचाना ही नहीं। औरत अगर मोहब्बत में सिमट जाए तो सुहागन है और अगर नफरत से बिखर जाए तो नागिन है। तू समझती है मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी रग रग से वाकिफ। तूने मेरी दौलत और मोहब्बत के लिए अपने पति को बैठ दिया।
का मुख्यालय इंस्पेक्टर। कहाँ है वो? मेरा ख्याल है कुमार उसे दिल्ली जंक्शन पर ले गया है, उसे शहर से बाहर ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जल्दी करो। ओह गॉड, आरती तुम यहीं ठहरो। रोना गले पड़ गया, हंसू क्या खा? क्या कहा? फिर से कहना। हमारी गलती हो गई। ला पेपर ला, इसमें बहुत जरूरी खबर है। देख सुन, कुमार साहब को उनके किए की सजा मिल गई, यानी कि जहन्नुम रसीद हो गए। हाँ, और उनकी महबूबा बिजली को 2 साल की कैद, और उनके साथी केदार को 3 साल की कड़ी कैद, यानी कि 3 साल तक चक्की पीसता रहेगा। और क्या? और अपने वो रमेश साहब है ना, उनको जिंदगी भर की कैद। गवाले, पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि मुजरिम के साथ साथ इंस्पेक्टर भी जेल के अंदर। देखिए सही सजा हुई है। अब आराम कीजिए शोभा।
शोभा देवी नहीं, मिसेस रमेश कहो, मिसेस रमी। थैंक यू। हेलो। अरे तुम लोग कहाँ सबक पर? ऊपर वाला भी हनीमून मनाने कश्मीर जा रहा है। अपनी सीट यही है। गाड़ी दूरी वाली चली, गाड़ी दूरी वाली चली, गाड़ी दिल्ली वाली चली, गाड़ी दिल्ली वाली चली, सब रेलू से रेलू गाड़ी छुप छुप सभी से चली।